खरगोन शहर के बिस्टान रोड स्थित गोकुलधाम कॉलोनी में गत रात को एक सुने मकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गोकुलधाम निवासी हेमेंद्र सिंह मंडलोई अपनी पत्नी के साथ रक्षाबंधन के लिए गए हुए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने रात में मकान का आगे का ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी में रखे लगभग 50,000 नगद, 2 सोने की चेन पर हाथ साफ कर लिया। जितेंद्र सिंह ने बताया कि सुबह देखा तो मकान का अगला गेट का ताला टूटा हुआ था। भैया भाभी माँ के यहाँ रक्षाबंधन के लिए गए थे। इस दौरान अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। कल रात को, कल से क्या है कि भैया और भाभी बाहर थे और जब सुबह 9 बजे भाभी घर पे आए तो उन्होंने देखा कि ताला टूटा हुआ था और देखने में पता चला है कि 45,000 रुपये कैश और 2 सोने की चेनें और मंगलसूत्र आए। कहाँ गए थे भैया और भाभी? ये मायके गई थी भाभी राखी बनाने में, राखी लेकर। क्या नाम लिखते आप? हितेंद्र सिंह। मकान किसका है? ये पापा के नाम पे, भैया रहते हैं। क्या नाम है भैया का? हितेंद्र सिंह। आप उनके भाई? हाँ भाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। उज्जैन जिले के